these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? सो हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, घर पर रह रहे कि बहुत अच्छी चीजें कर रहे होंगे। सो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एवरीथिंग शुरू, क्योंकि आप जो चालो ना वो चीज कर सकते हो लेकिन दिल से चाहना। सो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्विफ्ट कोड पे। जैसे आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें स्विफ्ट कोड मांगते हैं बहुत लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है। चलिए पहले कन्फ्यूजन सुन लेते हैं। जी हाँ हेलो, अब अपनी कन्फ्यूजन बताइए। भाई मेरी कन्फ्यूज़न ये है कि मुझे इंटरनेशनल पैसे मंगाना भी है और मुझे भेजना भी है, तो जो ये स्विफ्ट कोड है ये मुझे मेरे बैंक में अगर नहीं है तो ये मुझे मिल जाएगा या मुझे दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जहाँ स्विफ्ट कोड है? ठीक, बस यही मेरी सारी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्या आप लोग भी ये सेम प्रॉब्लम है? चलिए मैं आपको सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके आया हूँ, इसीलिए मैं इधर बैठा हूँ, आप लोग की सारी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। चलिए आप लोग को टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, डिटेलिंग में बताता हूँ, इस वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये स्विफ्ट कोड होता क्या है। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको जो स्विफ्ट कोड की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, इस समय आप लोग को यूएई दुबई वगैरह अरब अरब कंट्री में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल यूपीआई आ गया है। एंड अगर फिर भी आपको ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ भी आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। ये स्विफ्ट कोड का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है बैंक एक्सेप्ट जो करती है उसके लिए स्विफ्ट कोड निकालती है। एंड सेकंड, आप स्विफ्ट कोड को बीआईसी कोड भी बोलते हैं, बैंक आइडेंटिफायर कोड भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं बीआईसी कोड दिखे तो मतलब ये भी आप ये भी समझ जाइए कि आप लोगों को स्विफ्ट कोड है। एंड ये रहा कोड, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने कोड निकाला है, ये 11 अंकों का कोड होता है। एंड इस कोड में सबसे पहले होता है बैंक कोड, मतलब ये जो फर्स्ट फोर डिजिट होता है ये बैंक कोड होता है। फिर सेकंड टू डिजिट जो होता है ये कंट्री कोड होता है। फिर थर्ड जो ये टू डिजिट होता है ये होता है लोकेशन कोड। एंड फोर्थ में जो होता है वो ब्रांच कोड होता है। तो आप लोगों को जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको स्टार्टिंग का सारा एक तरह से सेम ही मिलेगा, लेकिन लास्ट में जो ब्रांच कोड है वो आप लोगों को चेंज मिलेगा, और ये जो लोकेशन कोड है तो आप लोगों को चेंज मिलेगा अगर आप लोग अलग अलग जगह से हो तो। तो आप लोगों यहाँ पे आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बैंक में जाके बैंक मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। आप उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मुझे भेजना भी है और रिसीव भी करना है। आपको वो तुरंत कोड दे देगा, कोई मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा। या आप डायरेक्ट कस्टमर केयर भी कॉन्टेक्ट करके आप मंगा सकते हो, आपका जो भी बैंक है उसमें आप बोल सकते हो, मंगा सकते हो। एंड और सबसे थर्ड जो चीज़ है वो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। लाइक जैसे मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये जो साइट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये साइट जैसे खुल जाएगी फिर देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है फाइंड बैंक आईएफएससी कोड एंड एमआईएससीआर कोड एंड स्विफ्ट कोड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट बैंक नेम है, जैसे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का करना है। फिर उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, स्टेट में आप जाके उत्तर प्रदेश डाल दो। देन आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएगी। अब जैसे बैंक डिस्ट्रिक्ट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम पे मुझे डाल देना है कानपुर, और कानपुर। फिर उसके बाद ये ब्रांच नेम है, ये इसमें आ रहा है ब्रांच नेम आईएफएससी कोड और बीओबी विनोबा नगर, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जब ये आ जाए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करो स्विफ्ट कोड बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे देन आपका ये फिर से इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको सिटी नेम करना है, सॉरी पहले यहाँ पे आपको स्टेट नेम करना है, फिर आपको सेकंड सिटी नेम करना है, एंड फिर यहाँ पे ब्रांच नेम जो है ब्रांच बैंक जो ब्रांच नेम है, लाइक मुझे यहाँ पे बिजनेस बीआर कानपुर जो है। एंड आप लोग देख सकते हो ये जो है ये आपका स्विफ्ट कोड आ गया, ये आपका स्विफ्ट कोड आ गया, आप यहाँ पे से भी जान सकते हो। एंड जो फाइनल सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग को ये जानना, जैसे आप लोग के बैंक में स्विफ्ट कोड है ही नहीं, जैसे किसी किसी बैंक में होता है कि आपके बैंक में स्विफ्ट कोड है ही नहीं, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को उस बैंक में ज़रूरी नहीं है कि खाता खुलवाओ कि जिस बैंक में स्विफ्ट कोड हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी बैंक को कंटिन्यू कर सकते हो, और जो पास की जो आसपास की जो लोकेशन में जो बैंक है जो मेन ब्रांच है आप उससे उसका स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हो, और बाकी डिटेल जो है आईएफएससी कोड वगैरह वो सब अपने बैंक की डाल के आप स्विफ्ट कोड उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप कस्टमर केयर पर कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो, आपको सारी चीज़ें बता भी दी जाएंगी। और आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो और मैं सारा एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर कुछ अगर आपको कुछ मतलब और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मैं उसके लिए भी बताऊँगा। और आप ये सारी चीज़ें YouTube से भी अगर आप जब अर्निंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको ट्रांसफ़र करने के लिए स्विफ्ट कोड ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई ज़रूरत जानकारी और चाहिए
तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।